उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने आज सर्किट हाउस प्रयागराज में एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए, जिसमें उन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को निषादों के बीच सही माध्यम से देने और उसे कार्यान्वित करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में मत्स्य विभाग के लोगों को निषादों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनसे उनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा मत्स्य पालकों के विकास के लिए, विकास के आरंभ लाने के लिए ढेर सारी परियोजनाएं थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, कि उसमें कैटेगरी दी या फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर्स हो या महिला हो, एससी हो, ऐसे लोगों को और बाकी या तो उद्यमी हो, लेकिन उसमें कुछ अनियमितताएं हुई कि इन लोगों ने फार्म तो लिए लेकिन जिसको देना चाहे इसको नहीं दिया, उसके लिए मैंने जांच नहीं कहा। दूसरा, पहले यहाँ परंपरा थी कि लोग जानते थे कि मछली पालन में केवल हमारे पास पोखरा होगा, जमीन होगा या होगा तो उसे लोग आते, लेकिन मत्स्य पालन के क्षेत्र में दूसरे सेक्टर में अगर हम व्यापार करते हैं तो 5 से 10% का ग्रोथ है, लेकिन मछली पालन में 20 से 25% का ग्रोथ है।